हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। कल आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज एक छोटा सा वीडियो है जिसमें जनरली एक पार्ट को हम कवर अप करेंगे, और अगले दिन की जो सेशन होगी उसमें हम लोग साल्ट देख लेंगे, जिसमें कुछ बचे हुए जो कौन चीज़ें हैं उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल मिला के, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो ये वर्ड आप लोग इससे बहुत फैमिलियर होंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेट का मतलब क्या होता है। अगर हम वर्ड को समझना चाहें तो इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना, क्या करना, दर्शाना। अगर कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को इंडिकेट करा, बोलो ना, इशारा देना या दर्शाना, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स जो होते हैं। हम अगर बात करें कि हम हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी हो, उसमें भी इंडिकेटर्स होते हैं। वो डायरेक्शन दिखाते हैं, अगर हमें राइट जाना है तो राइट साइड वाला को क्या करते हैं, स्विच करते हैं, जिससे वो ब्लिंक करता है और एक पॉपअप साउंड भी देता है, जिससे पता चलता है कि वो उस व्हीकल जो है राइट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में इसका अलग मीनिंग है और काम वही है जो कि सब में होता है, ठीक है। तो समझेंगे, तो इंडिकेटर्स क्या होता है। तो इंडिकेटर्स वैसे केमिकल सबस्टांस का बोलते हैं जो कि डिटेक्ट करता है किसका, केमिकल्स का नेचर को। हम कह सकते हैं कि केमिकल्स का नेचर को बताता है वेदर ए सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। कि कोई सबस्टांस एसिडिक है या बेसिक है, या कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसका नेचर को बताने का काम किसका होता है, इंडिकेटर्स का, ठीक है। तो उसमें एक टर्म जो आता है हमारा, आता है लिटमस सॉल्यूशन। क्या आता है, लिटमस सॉल्यूशन। अब ये लिटमस सॉल्यूशन, अब हम बात करें इसको, लिटमस पेपर की बात करें तो जनरली ये क्या होते हैं, ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। किससे, लाइकेन से। और लाइकेन्स का मतलब हम आपको बताए थे कि जो प्लांट्स में देखिएगा, जो या ट्रीज़ की बात करें तो उसमें जो क्या बोलते हैं, उसके जो आउटर बार्क जो लेयर होते हैं, मतलब जनरली वो हैविंग पोर्स जैसे आपको दिखाई देते हैं। उसका मैंने आपको फिगर के रूप में भी आपको बताया था जब लास्ट क्लास पढ़ा रहे थे। तो जनरली ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें होती हैं लिटमस सॉल्यूशन के साथ साथ। लाइक आप बात करो तो टर्मेरिक एक होता है, जिसको हम लोग हल्दी जो होती है हमारी, ठीक है, टर्मेरिक हो गए। या हम और बात करें, फेनोप्थिलीन होते हैं, मिथाइल ऑरेंज होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल उसमें एक टर्म आता है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। व्हाट इज़ ऑल्फैक्ट्री। अब अगर हम यहाँ पे बात समझेंगे तो ऑल्फैक्ट्री का मतलब अगर हम समझेंगे तो इसका मीनिंग समझते हैं। ऑल्फैक्ट्री रिलेटेड होता है स्मेल से, किस चीज़ से, स्मेल से। ऑल्फैक्ट्री जो वर्ड रिलेटेड होता है आपका स्मेल से रिलेटेड होता है, मतलब समथिंग जिसको स्मेल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसका स्मेल में कोई चेंजेस आता है। तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, जनरली क्या करते हैं, वो अपना स्मेल को चेंज करते हैं, मतलब उनके प्रॉपर्टीज़ में, उनके जो स्मेल की प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें कि अगर कुछ ओनियन की जैसे बात कर ले, जिसको प्याज बोलते हैं, अगर हम उसकी बात कर ले, वनीला की बात कर ले, तो ये जनरली क्या है कि ये अपना जो इसका इनका जो स्मेल होता है ना, जनरली ये चेंज कर जाता है कब, जब ये बेस के संपर्क में आता है तब। कहने का मतलब, जब हम ओनियन का पेस्ट बनाते हैं या वनीला पेस्ट अगर होता है, तो हम क्या करते हैं उसको, जब हम बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या करते हैं उसके क्या बोलते हैं, स्मेल में हल्का सा चेंजेस देखने को मिलता है। बट अगर हम कंपेयर करें एसिड से, तो एसिड में क्या होता है, ऐसा कोई भी चेंजेस हमें देखने को मिलता नहीं है। तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स बस एक तरीके से समझना है, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, अपना स्मेल में, यानी कि ऑल्फैक्ट्री फैक्टर्स में, आप कह सकते हैं ऑर्डर में क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल होता है, क्या होता है, स्मेल होता है, मतलब कि चेंज लाते हैं। और ये चेंज तब हो लाएंगे जब वो एसिड और बेस के संपर्क में आएंगे। जनरली मैंने आपको बताया कि एसिड में जनरली क्या होता है, अगर हम ओनियन या वेनीला की बात करें तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है। बट अगर हम बात करें बेस की, तो बेस में ये चेंजेस हमको देखने को मिलता है कि उसके स्मेल में या उसके ऑर्डर में क्या होता है, हल्का सा चेंजेस आता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या हैं, तो पहले हम एक वर्ड को समझेंगे कि जनरली इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि वो एसिड है या बेसिक है, ठीक है, ये तो बता दे रहे हैं कि वो एसिड है या बेस है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स को बोलेंगे जो कि ना कि सिर्फ एसिड और बेस बताएंगे कि वो कोई सबस्टांस एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि साथ साथ उसके स्ट्रेंथ को भी बताते हैं। क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ। कहने का मतलब, अगर कोई सबस्टांस एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है,
ठीक है, या अगर कोई बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या कोई सबस्टांस न्यूट्रल है, तो ये जनरली डिपेंड करते हैं। तो मतलब ये बताते क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द सबस्टांस। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि दोज इंडिकेटर्स विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, ये सिर्फ केमिकल्स का नेचर ना डिटेक्ट करके बल्कि उनके क्या करेंगे, उनको स्ट्रेंथ को, बट दे ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके अंदर आते हैं आपका पीएच पेपर। पीएच पेपर का काम क्या होता है, ये देखिएगा इस तरीके का, ये आपका फिगर में देख रहे होगे, ये पीएच पेपर होता है। पी स्टैंड फॉर पोटेंस, जर्मन में पी जो होता है पोटेंस के लिए स्टैंड करता है। पोटेंस का मतलब होता है क्या होता है, पावर, क्या होता है, पावर। ठीक है, पोटेंस का मतलब होता है पावर बोल सकते हैं, यदि आप बोल सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हो जिसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा होता है, जैसे पीएच ये जो वर्ड है। ठीक है, तो एच फॉर हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, एच फॉर क्या हो गया, हाइड्रोजन, और पी जो होता है वो पोटेंस के लिए होता है जर्मन में, उसका मतलब क्या होता है कि वो पावर का मतलब डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिएगा ये वर्क कैसे करता है वो हम आपको समझाते हैं। उसके लिए हमने आपका नेक्स्ट स्लाइड लेने से पहले थोड़ा सा आपको, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा देंगे, पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स में आते हैं आपका एसिड और बेस में, देखिएगा क्या क्या चेंजेस आता है। अगर हम रेड लिटमस की बात करें, ठीक है, रेड लिटमस की बात करें तो रेड लिटमस एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, वो सेम एज इट इज़ रह जाएगा, मतलब कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है कि लिटमस क्या करता है, ब्लू टू रेड चेंज करता है। ठीक है, और बेस के प्रेजेंस में क्या करता है आपका, रेड टू ब्लू। ठीक है, तो अगर हम रेड लिटमस को ही, अगर लिटमस जनरली पेपर होते हैं रेड और ब्लू में आते हैं, तो अगर रेड लिटमस को ही अगर हम एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा, वो सेम का सेम रह जाएगा। ठीक है, और बेस में डालेंगे तो क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा ब्लू। तो मतलब आपको ये आपको समझ में आएगा कि अगर हम रेड लिटमस की बात करें तो ये बेसिस में क्या होगा, चेंज होगा। आप पढ़े थे कि रेड से क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू में, तो देखिएगा यहाँ पे ब्लू हो जा रहा है और यहाँ रेड का रेड ही रह जा रहा है, मतलब एसिड में, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उसी तरीके से ब्लू लिटमस की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, एसिड में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी कि ब्लू टू रेड होता है किसमें हमारा, एसिड में, और बेस में वो सेम का सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्वेश्चन बनता है क्या, कि क्या हमें दोनों इंडिकेटर्स को क्यों टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता ना, क्योंकि उसमें से एक जो होगा वो क्या करेगा, कलर चेंज करेगा और एक एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अगर हम वाटर की बात करें, अगर मान लीजिए वो सॉल्यूशन वाटर ही निकला और दोनों हम डिप कर रहे हैं, ठीक है, या एक डिप कर रहे हैं, तो सोचा जब ये तो कलर चेंज नहीं किया, मतलब अब पक्का दूसरा वाला होगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन वाटर रहा, न्यूट्रल रह गया, तब तो ना वो लिटमस ना ब्लू वाला चेंज करेगा, ना ही रेड वाला चेंज करेगा। इसीलिए हमें दोनों लिटमस को टेस्ट करना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब आते हैं हमारा टर्मेरिक, जिसको हल्दी बोलते हैं। तो ये जनरली ये एसिड के प्रेजेंस में कोई भी चेंजेस इनमें होता नहीं है, बट अगर हम बात करें बेस के संपर्क में तो इसका कलर रेड हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर सब्जी वगैरह जब हम लोग खाते हैं, तो अगर उसकी ग्रेवी वगैरह अगर गिर जाती है शर्ट वगैरह पे, देखिएगा जब हम लोग सोप या डिटर्जेंट उस पे लगाते हैं तो उसका कलर पहले रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या कि जो सोप या डिटर्जेंट जो है वो जनरली बेसिक होता है, ठीक है, और जब बेस अगर क्या होगा वो टर्मेरिक, वो एक इंडिकेटर है, तो जब टर्मेरिक क्या और बेस आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो जनरली उसमें कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो कलर देखिएगा वो रेड में कन्वर्ट होता है। तो ये बताता है जनरली कि वहाँ पर जो सोप है वो क्या है, बेस है। तो आपको बस यहाँ पर ये समझा रहे कि टर्मेरिक जो होता है एसिड के प्रेजेंस में वो कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा, ठीक है, बट अगर बात करें बेस के केस में उनका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। अब आता है फेनोप्थेलीन और ये मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक, या हम जिसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, ठीक है, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है, या मैनमेड इंडिकेटर्स आप कह सकते हो। फेनोप्थेलीन ये जो होता है एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस होता है, ठीक है, मतलब कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, बट बेस के प्रेजेंस में इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज की बात करें, ठीक है, तो ये एसिड के प्रेजेंस में रेड होगा और बेस के प्रेजेंस में येलो होगा। तो इसका एक कोड भी आप देख सकते हो, इसका कोड एक बनेगा, आप अगर आप चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज को MY लिख दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और एप्पल को अगर हम लिख दो माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, ठीक है, बनाना इज येलो। तो यहाँ पे समझना है MY फॉर मिथाइल ऑरेंज, A फॉर एसिड, एसिड के प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज जो होगा रेड हो जाएगा, ठीक है, और बेस के बनाना फॉर बेस, बेस में क्या हो जाएगा ये,
आपका येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो। जनरली एप्पल रेड होता है और बनाना क्या होता है? येलो। तो माई वो आपको बस एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, और आगे में आपको माई लगाना, मतलब कि मेरा। तो एम वाई फॉर माई फॉर यहाँ स्टैंड करेगा मिथाइल ऑरेंज के लिए। तो मिथाइल ऑरेंज के केस में हम एसिड की बात करें तो एसिड में क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, और बेस की केस में क्या हो जाएगा, वो आपका येलो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपको यह मैं उस समय बता रहा था कि कैसे चेंज करते हैं। जो जनरली यहाँ पे वो फिगर ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच पेपर हो गया, ठीक है, और ये आपका पीएच स्केल हो गया, ठीक है, ये आपका पीएच स्केल हो गया। तो ये स्केल में जो क्या होता है ना, इसमें अलग अलग सारे कलर्स इसमें मौजूद होते हैं। जनरली पीएच पेपर क्या होता है, पीएच पेपर स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है जनरली, और उसमें क्या होता है, जैसे ही क्या करते हैं, कोई एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं उसको। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, अब इसको एक इसका पेपर को हम उठाए और इसमें इसको डिप किए, ठीक है, इस तरीके से डिप किए। तो डिप करने के बाद मान लीजिए कोई भी कलर आया, तो जो भी कलर आएगा उसको मैच करना है इससे, ठीक है, इससे मैच करना है। अगर किसी से भी इसका कलर मैच करना है, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर पे आया, ठीक है, ऐसा कलर आया, या मान लो जो कि 1 में आया, रेड में आया, तो रेड में आया तो समझ जाएँ कि भाई ये तो आपका पता है कि जो पीएच स्केल होता है वो 7 स्टैंड करता है आपका न्यूट्रल के लिए, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो सारा बेसिक नेचर होता है, और इसके नीचे जो होता है सारा एसिडिक नेचर होता है। तो अगर यहाँ पे 7 आया उसका, तो उसको आपको ऐसा कलर आ रहा है, तो जनरली हमें समझना क्या है कि वो न्यूट्रल है। अगर वो ब्लू में, ज़्यादा डार्क ब्लू में आ रहा है, तो क्या समझना, वो बेसिक है। अगर वो उससे नीचे आ रहा है, तो क्या लेना है, वो एसिडिक है। तो यहाँ पे ये समझना है, जो ये आपका पीएच पेपर होता है उसका कलर आपका जैसा आ रहा है, उसको हम क्या करना है, स्केल से आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको मिलाना है कि जिसमें अगर वो कलर मिल रहा है, अगर मान लीजिए 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 6 आ रहा है, तो मतलब वो तो एसिड है, लेकिन कैसा है वो आपका, वीक एसिड। कैसा है आपका, वीक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा इस तरीके से, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए किसी का 1 आया, तो 1 कहने का मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे ये जो पीएच स्केल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्केल पे अगर हम, या पीएच पेपर जो होता है, जैसा कलर डिप करने पे कोई सॉल्यूशन पे आता है, वो कलर को क्या करना है, मैच करना है किससे, आपका पीएच स्केल पे। जैसा कलर एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना, वहाँ पे नंबरिंग क्या रहता है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। अगर कोई भी सबस्टांस 0, 1, 2, 3 इस तरफ से है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, और 6, 7 में है, तो ये आपका 6, 5 में है, तो क्या होगा, आपका वीक एसिड कहलाएगा। उसी तरीके सेम केस आपका लागू होगा किस पे, आपका बेस पे। 8, 9 है तो माइल्ड बेस हो गया, और अगर ज़्यादा है 12, 13, 14 है, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। 7 स्टैंड करता है आपका न्यूट्रल के लिए। जैसे आप देख सकते हैं प्योर वाटर जो होता है उसका, या ब्लड की बात करें तो 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका पीएच स्केल कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये 14 होता है। 14 कहने का मतलब ये बेसिक होगा, क्या होगा आपका, बेसिक, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये लेमन जूस जो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका 2.2 देखिएगा। तभी तो अगर हम लेमन जूस वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, या हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें जो हमारे स्टोमक में होते हैं, उसका 1.2 के तहत क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका चीज़ें हैं किस चीज़ के बारे में, आपका पीएच स्केल के बारे में, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे ये पीएच का इम्पॉर्टेंट रोल हमारे डे टू डे लाइफ में, कि डे टू डे लाइफ में हमारा पीएच का क्या रोल है और क्या मेजर रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा जो बॉडी वर्क करता है ना पूरा, वो पीएच रेंज में ही करता है। कहने का मतलब वो 7 से, अगर हम इस तरीके से लिखे, 7.0 से लेकर के 7.8 तक ये वर्क करता है, ठीक है, हमारा बॉडी जनरली इसी रेंज में उसको वर्क करना होता है। और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी पीएच रेंज के अंदर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। चाहे वो प्लांट्स की बात करें, या हम लोग अपनी एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें, वो इसी रेंज के अंदर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा रेन वाटर जो हम बोलते हैं एसिड रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू लगभग 5.6 के आसपास होता है। अब जनरली होता क्या है, जो व्हीकल से जो सल्फर गैस निकलते हैं, वो क्या करता है, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें, तो ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा आपका H2SO4, और सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा आपका H2SO3, ठीक है, H2SO3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, तो जनरली ये क्या बना रहा है, आपका
आपका ये एसिड रेन बना रही है। उसी तरीके से हम अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो गैस होता है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ, मतलब वाटर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ संपर्क में आने से ये क्या बनाता है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि ये भी एक एसिड रेन है। क्या है आपका? एसिड रेन। और इसी वजह से जो आप बोल सकते हो कि एसिड रेन की वजह से जो मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल वो सब देखिएगा अब पहले जैसा शाइनिंग उनमें ना रहा। कारण क्या है कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण जो रेन जो हो रही है वो एसिड रेन में होकर के वो पूरे टाइल्स वगैरह या मार्बल्स को क्या कर रहे हैं, खराब करते चले जा रहे हैं, तो अलग बात है। अब देखिएगा उसका टूथ डिके में क्या रोल है। तो टूथ डिके कब होता है? 5.5 के नीचे। हम लोग जानते हैं टूथ जो होता है वो एक हार्ड सबस्टांस से बना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इनेमल, जो आउटर कवरिंग होता है हमारे टूथ का बहुत हार्डेस्ट होता है और क्या बोलता है ये शाइन करता है इसके वजह से। तो ये क्या का आपको पता है कि अगर हम लोग अपना टूथ का ध्यान ना रखें, केयर ना करें, तो क्या होगा, दिन पे दिन उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। जैसे आप डॉक्टर्स की सलाह माने या किसी की भी सलाह माने तो ट्वाइस ए डे बोला जाता है हम लोग को कि ब्रश करने के लिए, उसके साथ साथ माउथ को रिंसिंग करने के लिए, आई मीन कूला जिसको करना बोलते हैं ठीक है, माउथ को रिंसिंग करने के लिए बोला जाता है। और आप देख सकते हैं जो ओल्ड एज पर्सन जनरली होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है, टूथ पेन, टूथ डिके, बहुत दर्द देता है आँखें जब ये टूथ डिके या होता है तब ठीक है। टूथ पेन होता है तो काफ़ी उसमें खाना संभव नहीं होता है, लोग क्या करते हैं दांत को निकलवाते हैं इस तरीके से डॉक्टर्स के डेंटिस्ट के पास जा करके, तो आप समझ सकते हो। तो ये जनरली होता क्या है, जब हम रात का खाना अगर हम फूड जो होता ना कि खा करके अगर हम ब्रश नहीं किए, चलो हम ऐसे ही सो गए ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो मतलब जो फूड पार्टिकल्स जो कुछ दांत में फंसे हुए होंगे, तो बाय द अटैक ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अटैक की वजह से क्या होगा कि उस चीज़ को वो क्या करेंगे, वो टूथ में जो फूड है ना उसको मतलब कि क्या करेंगे, धीरे धीरे लगा करके एसिडिक बना देंगे, मतलब डिके करके उसको एसिडिक बना देंगे फूड के, जो आपका माउथ में फूड बच जाता है रात में फंस जाता है। तो इसलिए बोला जाता है ना रिंस करके या ब्रश करके सोना चाहिए। और इसीलिए आप देखिएगा तो जब वो बैक्टीरिया जो होंगे वो अटैक करेंगे तो वो वहाँ पे एसिडिक बनाते हैं, और आपको पता है कोई भी एसिड क्या होता है वो क्या करेगा, ये टूथ इनेमल को धीरे धीरे क्या करेगा, ख़राब करेगा ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा वो टूथ को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए क्या ये ट्वाइस ए टाइम क्या होना चाहिए, ब्रश वगैरह करते रहना चाहिए ताकि टूथ डिके ना हो ठीक है। और आप मॉर्निंग जब उठते हो तो ये भी आपको देखेंगे कि मॉर्निंग टाइम जो होता है ना वो माउथ काफ़ी स्मेल करता है, जनरली उसी कारण एसिड जो प्रोड्यूस होता है ना उसी कारण माउथ क्या होता है हमारा खट्टे जैसा कुछ सुबह सुबह स्मेल करता है, बैड स्मेल करता है ठीक है। अब पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पीएच का क्या रोल है, तो आप ये समझ रहे हो पीएच का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपको पता है अगर हम पार्टी वगैरह में जाते हैं या जनरली अगर हम कुछ कहीं भी अच्छा कुछ बनता है तो हम लोग थोड़ा जोर से खाते हैं या दबा के खाते हैं अगर बात करो तो उस समय क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अच्छी मात्रा में निकलती है, जिससे क्या होता है कि वो डाइजेशन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ लोग मतलब ज़्यादा देर भूखे रहने से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो उसके कारण एसिडिटी होती है ठीक है। तो ये भी नहीं है, कभी सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा खाने से ही या उल्टा पुल्टा खाने से ही एसिडिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा भूखे रह रहा है तो क्या, या टाइम से नहीं अपना फूड कंज्यूम कर रहा तो भी एसिडिटी होने का कारण बनता है। और उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम लोग एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं जब एसिडिटी होती है। तो एंटा एसिड कहने का मतलब आप कह सकते हो जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि जब भी अगर एसिड की जहाँ पे बात हो रही है कि भाई एसिड को ख़त्म करना है, न्यूट्रल करना है, तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का। चाहे हम टूथ की बात करें, दांत में भी देखिएगा जो टूथपेस्ट होता है जनरली वो बेस कंस्टिट्यूएंट होता है, मतलब उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो तभी तो वो एसिड के अटैक को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। तो आप एक सवाल ये भी बन रहा होगा कि सर जो बेस जो होता है जनरली तो बिटर इन टेस्ट होता है, लेकिन टूथपेस्ट तो उतना बिटर लगता नहीं है, तो वो आपके टेस्ट के लिए उसको में वो कुछ कंस्टिट्यूएंट्स डाले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा बिटर ना लगे। अगर बिटर लगेगा तो कौन यूज़ करेगा टूथपेस्ट, ठीक है ना। तो उसका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टेस्ट में मॉडिफिकेशन लाया जाता है। अगर हम बात करें जो नीम का पत्ता या नीम का जो होता है जिससे ब्रश किया जाता है, या बोलते हैं कि टूथ को क्लीन करते हैं ठीक है, तो उस समय क्या होगा आपको समझना होगा कि जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, बहुत बिटर लगता है, कड़वा लगता है। कारण ये होता है बिटर लगने का कि जनरली वो उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट है बेस ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो कड़वा लगेगा राइट। तो उसी तरीके से हम अभी स्टमक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे स्टमक में जो बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब एसिडिटी ज़्यादा होती है, या हम बोल सकते हैं इनो जो पीते हैं हम लोग, वो भी क्या होता है, वो बेस कंटेन करता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब डायरेक्ट हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पी नहीं सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अल्कली भी है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, एसिडिटी वगैरह
होती है तब। तो ये एंटा एसिड हम यह बोलते हैं एसिडिटी वगैरह को दूर करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल करके। चलिए अब इसको वन बाई वन इसको स्लाइड लेकर के देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, पीएच इन आवर डेली लाइफ का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग समझेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। इन केस ऑफ डाइजेशन आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस एसिड इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन। देखिएगा, इन केस ऑफ इंडाइजेशन, जब इंडाइजेशन होता है मतलब कि जिसको बोलते हैं ना जब हजम नहीं होता कोई भी चीज़ ठीक से, ठीक है, तो उस समय हमारा स्टोमक क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द वगैरह देखने को मिलता है, जिसको इरिटेशन होता है उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। और इसी पेन से रिलीफ पाने के लिए हम लोग एंटा एसिड्स का उपयोग करते हैं। एंटा एसिड मतलब होता है, देखिए एंटी होता है, एंटी और एसिड मतलब एसिड को मारने वाला, एंटी को मिला करके क्या बना आपका, एंटा एसिड बना ये वर्ड, ठीक है। तो एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब जनरली ये जो होते हैं ना एंटा एसिड, वो क्या करते हैं कि जो एक्सेस एसिड हमारे स्टोमक में जो रिलीज हुआ है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि जो एंटा एसिड होता है उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो हमारा क्या होता है, बेस। और आपको पता है एसिड जो जब बेस के साथ क्या रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, उसको न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। अब आते हैं पीएच ऑफ एसिड रेन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आप इसलिए यहाँ पे मैं दोबारा से इसको लिख करके आपको समझा रहा हूँ ताकि अगर आपको होमवर्क दूँ या आपको कहीं पे क्वेश्चन आए तो आप इससे कर सको, क्योंकि बोला हुआ चीज़ आपके दिमाग में कितने देर तक रहेगा ये तो मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। बताएं भी कैसे होगा, रिएक्शन भी आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एसिड रेन वाटर इन वाटर बॉडीज मेक देम एसिडिक बिकॉज काउजिंग ए थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। अगर बोलते हैं कि अगर एसिड रेन हुआ और ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो इसमें ना कि सिर्फ मॉन्यूमेंट्स बल्कि जो एक्वेटिक लाइफ्स, अगर हम बात करें जो एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, तो सब पे क्या करते हैं, डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि या प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं उस पर भी ये इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसका एक हम एग्जाम्पल आपको ताजमहल का दे दिए थे। अब आते हैं पीएच ऑफ सॉइल के बारे में। तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्थ ग्रोथ। अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों को ग्रो करने के लिए एक सही पीएच ग्रोथ का, पीएच का मिलना बहुत क्या है, ज़रूरी है। जैसे कि हम बताएं कि ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग का 7.4 से लेकर के, या हम 7.0 से लेकर के 7.4 तक अगर हम बात करें तो एक रेंज है जिसमें हम लोग अपना लाइफ सही तरीके से चल रहा है। तो उसी तरीके से प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का भी एक पर्टिकुलर पीएच का रेंज होता है जिसमें वो अच्छे तरीके से अपना हेल्दी ग्रोथ उनका हो सकता है, ठीक है। अगर क्या होता है कि सॉइल का पीएच कहीं का कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो क्यों होता है, जनरली जो फार्मर्स जो होते हैं ऐड करते हैं केमिकल्स, लाइक हम जैसे बोलते हैं ना फर्टिलाइजर्स। तो जनरली आपको पता है कि मैनोर्स और फर्टिलाइजर्स में आप लोग को अंतर बेखूबी पता है, बिकॉज 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो ये चीज़, ठीक है, डिफरेंस पढ़ चुके हो कि मैनोअर्स का क्या रोल है, फर्टिलाइजर्स क्या रोल है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका डिसएडवांटेजेस है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो द एडिशन ऑफ दिस केमिकल्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव डैमेज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड डिक्रीजेस इट्स नेचुरल फर्टिलिटी। अगर हम लोग ज़्यादा देखिएगा आज के डेट में ये जो मनी जो है ना सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अब जैसे बात करें हाइब्रिड फ्रूट्स आ रहे हैं मार्केट में, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ ग्रो करवाओ, जल्दी बेचो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इससे क्या हो रहा है, फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्रॉप्स हो या फसल हो या प्लांट्स जो भी वो बहुत उनका रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा, उनकी जो नेचुरल फर्टिलिटी होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी। अब उससे क्या होगा कि वो सॉइल वहाँ का क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, मतलब कि सॉइल का पीएच लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें इस चीज़ को सही रखना है, अगर सॉइल आपका एसिडिक हो रहा है तो वहाँ पे सर्टेन टाइम ऑफ बेस का इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा बेसिक हो गया है तो वहाँ पे सर्टेन कुछ एसिड्स इस्तेमाल करें ताकि उसको न्यूट्रल करके रखें। और उससे क्या होगा कि सॉइल अच्छे तरीके से क्या करेगा, उसमें प्लांट्स ग्रो करेगा और अच्छे तरीके से प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा या क्रॉप का डेवलपमेंट होगा, राइट। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। 2D भी मैंने अच्छे से बता दिया कि जो बैक्टीरिया होती हैं क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। बी स्टिंग, देखिएगा जो अगर चींटी की बात करें या मधुमक्खी की बात करें, उन लोग काटते हैं तो आपको पता है वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से पेन देखने को मिलता है। तो उनमें मेथानोइक एसिड होता है। व्हाट इज़ मेथानोइक एसिड,
मेथनोइक एसिड इक्वल टू आपका फॉर्मिक एसिड CH3COOH, ठीक है ठीक है। CH3COOH आपका फॉर्मिक एसिड होता है और इसी को हम लोग मेथनोइक एसिड बोलते हैं, दोनों नाम सेम है, कन्फ्यूज नहीं करना है। तो ये क्या करता है, विच काउजेस पेन एंड इरिटेशन यूजिंग ए वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज द एसिड गिविंग रिलीफ। आपको पता है जब भी अगर ये चींटी वगैरह काटता है ना या मधुमक्खी काटते हैं तो देखिएगा तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस का, बेकिंग सोडा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जनरली, क्योंकि वो एसिड होते हैं और वहाँ पे हम लोग माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे न्यूट्रल होता है और थोड़ी देर बाद हम लोग आराम मिलता है, वो पेन से हम लोग को आराम मिलता है। तो ये सब कुछ है, इंपॉर्टेंस है आपका पीएच का या हम बात कर सके एसिड बेस का हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैं सोच रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट डे में करवा दूंगा। तो वीडियो को आज को यहीं पे रोक रहे हैं, अगली क्लास में बस साल्ट को लेकर के चलना है। साल्ट में भी मैंने आपको बता दिया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया था, उसमें साल्ट तीन तरीके का होगा, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट, ये मैंने बता दिया था। फिर भी मैं एक बार बताऊंगा, कुछ एक और प्रोसेस है क्लोरअल्काली प्रोसेस है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ चार पाँच इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे क्विट कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। होमवर्क जो मिलेगा उसे बना लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, आप लोग का बहुत जल्द एक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दिन में, दो दिन के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किस चैप्टर से और कैसा टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।